Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series. Hello friends, in this session we will study about the forest in Chhattisgarh. Okay, total forest area kya hai and the forest ka division classification kaun se basis pe hua hai. यहाँ के नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड द बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो ये सब के बारे में हम इस सेशन में देखेंगे. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि टोटल फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है. तो आपका जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 59,772 स्क्वायर किलोमीटर. ये जो है आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़ का, विच इज 44% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. Okay, and 7.96% of the total forest area of the nation. So, ये जो 59,772 square kilometer है, वो आपका 44% area cover करता है छत्तीसगढ़ का. ठीक है, and और जो जितने भी forest area है इंडिया पे, उसका 7.96% area forest area जो है छत्तीसगढ़ पे. This 59,772 square kilometer can be divided into two parts, as the forest cover and the tree cover. ठीक है, तो इसपे जो फॉरेस्ट कवर है वो है आपका 55,621 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका फॉरेस्ट कवर है. ठीक है, और इसपे जो ट्री कवर है वो है आपका 3,663 स्क्वायर किलोमीटर आपका ट्री कवर है. ठीक है, इन दिस 55,621 स्क्वायर किलोमीटर विच इज द फॉरेस्ट कवर ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़, 41.4% of the total area of the state. This one is the 41.4% of the total area of the state, and this is 7.46 of the total forest area of a nation. So ये है आपका forest area. ठीक है, जो forest area वो कितना percent part है छत्तीसगढ़ के total area का, कितना percent part है total forest area का India के, and उसके बाद next thing है वहाँ per capita forest area is 2.31 hectare. ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया कितना छत्तीसगढ़ का, तो है आपका 2.31 हेक्टेयर. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट. इसके बारे में आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का है. तो आपका मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का, और जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया है वह है आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. फिर है आपका मैक्सिमम डेंसिटी है वह है आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का. और जो मिनिमम है वह है आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया और मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया और मिनिमम डेंसिटी. तो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपका सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, मिनिमम है जांजगीर चांपा. डेंसिटी के अकॉर्डिंग में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट डेंसिटी ज्यादा है और मिनिमम है आपका जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट का. बहुत सारे बुक में आंसर बहुत सारे दिए गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पीएससी और व्यापक जो आंसर ले रही है वो इसी फैक्ट के हिसाब से ले रही है, तो मैं आपको यही वाला डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन कौन कौन से बेसिस पे छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को किया जा सकता है. ठीक है, तो एक तो आपका बेसिस है एज पर द वेजिटेशन, एंड सेकेंड है एज पर द फॉरेस्ट लॉ. फॉरेस्ट लॉ भी होता है, उसके बेसिस पे भी फॉरेस्ट को दो तीन टाइप पे डिवाइड किया जाता है. ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी होता है कि कौन से एरिया पे फॉरेस्ट है तो वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर आता है. तो एक एक करके देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे हुआ जाता है. तो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट can be divided into four parts. Okay, first one is the sal forest. This sal forest is a very important forest area, and ये जो है मेनली नॉर्थन छत्तीसगढ़ और जो है सदर्न छत्तीसगढ़ को कवर करती है. जैसे बस्तर को आइलैंड ऑफ सॉल फॉरेस्ट भी बोला जाता है. ये जो सॉल फॉरेस्ट है इसका ये जो है आपका
स्टेट ट्री भी है, साल साल जो ट्री है वहां पे स्टेट ट्री है, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका असोरिया रोबस्टा, ये आपका साइंटिफिक नेम है साल ट्री का। इससे जसपुर धापर फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जसपुर धाप फॉरेस्ट। टोटल एरिया है वो है आपको अबाउट 40% एरिया कवर करता है साल साल फॉरेस्ट। एंड बस्तर इज कॉल्ड आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये है आपका साल फॉरेस्ट के बारे में कि साल फॉरेस्ट इज स्टेट ट्री, 40% एरिया इज कवर्ड बाय साल फॉरेस्ट। सोरिया रोबस्टा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साल फॉरेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द जसपुर धाप फॉरेस्ट एंड बस्तर इज नोन एज द आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न छत्तीसगढ़, ठीक है। इट इज चीफली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न छत्तीसगढ़। तो ये था आपका साउथ फॉरेस्ट के बारे में। सेकेंड हम देखते हैं सॉगन फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका सॉगन फॉरेस्ट, ओके। इसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ सागौन ट्री। इट कवर्स 9.42% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। 9.42% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर्ड बाय सागौन फॉरेस्ट। चिल्फी वैली एंड नस एंड कुर्सेल वैली दिस टू वैली चिफी वैली इन कवर्धा डिस्ट्रिक्ट एंड दिस कुर्सेल वैली इन नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस टू वैली इज फेमस फॉर सागौन ट्री एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सागौन ट्री दैट इज अ बर्मा सागौन। बर्मा सागौन इज फाउंड इन चिफी वैली एंड द कुर्सेल वैली, ओके। तो दिस इज सेकेंड वन इज द सागौन फॉरेस्ट। थर्ड वन इज द मिक्स्ड फॉरेस्ट। टोटल एरिया ऑफ द मिक्स्ड फॉरेस्ट इज 44% एरिया एंड अनदर मिक्स्ड फॉरेस्ट तेंदू मऊहा गम ये सारे जो आपके मिक्स्ड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं और ये मेनली मिलते हैं महानदी बेसिन पे। तो ये तीन था साउथ सागौन एंड मिक्स फॉरेस्ट। फोर्थ वन है आपका बंबू फॉरेस्ट। इट कवर्स 6.49% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। 6.49% एरिया कवर करता है, ठीक है। बंबू फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा है क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो मेजरली बंबू फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, ओके। एंड सरगुजा डिवीजन एंड कांकेर फॉरेस्ट डिवीजन बेस्ट क्वालिटी ऑफ बंबू दैट इज अ कटन बंबू इज फाउंड इन दिस टू फॉरेस्ट डिवीजन। कटन बंबू एंड हियर इन छत्तीसगढ़ अ 9 वैरायटी ऑफ बंबू इज फाउंड, ओके। 9 वैरायटी यहां पर मिलती है, बांस की 9 वैरायटी हमें मिलती है यहां पर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट 20% of total forest revenue is come from bamboo forest.
ओके टोटल फॉरेस्ट के वैल्यू में 20% पर हमें बंबू फॉरेस्ट से मिलता है। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन से हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को। फर्स्ट है आपका साल फॉरेस्ट, सेकंड है आपका सागौर, थर्ड है आपका मिस, एंड द फोर्थ वन इज द बंबू फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज द रिजर्व फॉरेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज द ओपन फॉरेस्ट। तो एक एक करके इसमें देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, एंड नाउ वी विल सी ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ कि फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से छत्तीसगढ़ के पास कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब वो एरिया जहां पर फॉरेस्ट रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन टोटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। वहां पर कोई भी जाके लकड़ी कटाई या वहां से टिम्बर जो है नहीं ला सकता, कैसे भी मतलब वहां से कुछ भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी है वो टोटली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उसे हमें टोटली जो है कंजर्व करना है इस एरिया को, ठीक है। तो ये था आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। दिस इंक्लूड द 44% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये है आपका जो है 44% एरिया को कवर करता है, जो है आपका 25,782 स्क्वायर किलोमीटर, ओके। 44% एरिया उसमें जो है आपका 25,782 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो इसके अंदर आते हैं आपका एक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, तीन नेशनल पार्क है, एंड 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये जो सारे आते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर में। सेकेंड है आपका रिजर्व फॉरेस्ट, टोटल एरिया इज 24086 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि सम काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस एंड परमिट, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसोर्स को हम यूज कर सकते हैं इन रिजर्व फॉरेस्ट में। From reserve forest, forest resources can be used on the basis of license or permit, ठीक है। गवर्नमेंट से हमें स्पेशल परमिट और लाइसेंस लेना पड़ता है इन एरिया इन फॉरेस्ट इज ये जो फॉरेस्ट एरिया वहां से एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज। थर्ड वन है आपका ओपन फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं होता, कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, कोई भी परमिट नहीं लेनी पड़ती यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। एंड दिस कंप्लाइज 16% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया व्हिच इज 9954 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो ये था आपका मतलब बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ कि फॉरेस्ट को जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो 44% एरिया है, फिर आपका रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद आपका ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन था छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट का। थर्ड है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज द एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिड्यूस फॉरेस्ट, एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिड्यूस फॉरेस्ट, एंड द सेकेंड इज द एरिड ट्रॉपिकल ड्राई deciduous forest. This one covers 48% area
and mainly includes northern and southern Chhattisgarh. Sal and Sogon forest comes under any tropical damp deciduous forest. ठीक है, तो ये जो है नॉर्दर्न और सदर्न छत्तीसगढ़ को कवर करता है. साल और सॉगन फॉरेस्ट जनरली नॉर्दर्न और सदर्न छत्तीसगढ़ में पाया जाता है. उसकी वो जो साल और सॉगन फॉरेस्ट है वो एनी ट्रॉपिकल डैम डेसिडुअस के अंदर आता है. और ये जो 48% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है. सेकेंड है आपका एनी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. इट दिस वन इज मेनली कवर्स एरिया ऑफ महानदी बेसिन. टोटल एरिया में 52% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया इज कवर्ड बाय एरिड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड इट इंक्लूड्स मेनली अ मिक्स्ड फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी द छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड टू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज द एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द सेकेंड वन इज द एरिड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. एरिड ट्रॉपिकल डैम डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपका साल और सॉगन फॉरेस्ट आता है एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट आता है. ठीक है, तो ये था आपका तीन रीजन. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेस्ट लॉ एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट हैं. ठीक है, उनके बारे में. ओके, थैंक यू. सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.